हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है फ्राइडे और सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तो जस्ट अभी मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ और अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करूँगी फ्रेशन अप होने के बाद। और सबसे पहले मैं बालकनी में जाती हूँ और आज बालकनी में जाते एकदम दिल खुश हो गया, क्योंकि आप सबको पता है यहाँ पे कितनी गर्मी हो गई है, लेकिन आज वेदर बहुत अच्छा था। सुबह सुबह इतने घने बादल लगे हुए थे और लग रहा था बारिश होगी। ऑल दो बारिश तो नहीं हुई, लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ था और शाम तक भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो वो एकदम घना कोहरा, मतलब कोहरा नहीं सॉरी, बादल इतने अच्छे लगे हुए थे। बहुत देर तक तो मैं देखते रही, अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, सुबह सुबह बाहर निकलो इस तरह से। और दिन तो ऐसा होता था कि मतलब सुबह सुबह पर्दा मैं कभी भी नहीं हटाती थी, इतनी तेज़ धूप अंदर आ जाती थी और गर्मी होने लगती थी। लेकिन आज फिर सारे कर्टन हटाए मैंने, क्योंकि अच्छा लग रहा था। और इसके बाद जो है मैं अपना काम शुरू करूँगी। सबसे पहले रात के धुले हुए बर्तन, इनको ऑर्गेनाइज़ करूँगी और उसके बाद फिर मुझे लंच भी बनाना है और ब्रेकफास्ट भी बनाना है, क्योंकि आज हस्बैंड का ऑफिस है तो वो ऑफिस जाएंगे, उनके लिए टिफ़िन मुझे पैक करके देना होगा। तो मैंने एक साइड दाल बॉईल होने के लिए रख दी थी छोटे कुकर में, और बड़े कुकर में मैंने आलू बॉईल होने को रख दिए थे। तो ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह हम लोग कुछ ला नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोग निकलने वाले हैं और अभी मैं आगे बताऊँगी कब जा रहे हैं। तो फिलहाल एक साइड आलू के पराठे की तैयारी मैं कर रही हूँ। यहाँ पे पराठे के लिए आटा मैं तैयार करके रख दूँगी, और दूसरी साइड मैंने जब तक आटा वगैरह गूँथूँगी और दूसरे काम करूँगी, यहाँ पे मेरी चाय भी बनके तैयार हो जाएगी। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था ना, ऐसे में सुबह जल्दी उठ के फिर चाय पीने का बड़ा मन करता है, तो आटा गूँथ लिया था मैंने। और मीनवाइल यहाँ पे मेरी चाय भी बनके तैयार हो ही रही थी, और एकदम गरम गरम चाय पीने में भी थोड़ा सा मन नहीं करता है पीने का, थोड़ी सी हल्की गुनगुनी सी हो जाए तो वैसी चाय पीने में अच्छा लगता है। तो तब तक मैं यहाँ पे, जब तक चाय अच्छे से बॉईल होगी, थोड़ी सी ठंडी होगी, मैं यहाँ पे किचन में झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद फिर पूरे घर में बाद में ही लगाऊँगी। थोड़ी देर में नोनी जब उठ जाता है उसके बाद फिर अंदर भी लगाना होता है। तो फिलहाल यहाँ पर चाय लेके मैं बालकनी में आ गई हूँ फिर से, और अपनी चाय इन्जॉय करूँगी सुबह वाली, और उसके बाद फिर मैं काम स्टार्ट करूँगी। और जिस टाइम तक मैं ये सारे काम कर रही थी, नोनी और उसके पापा सो ही रहे थे, उनको मैंने उसके बाद उठाया था फिर। तो बस चाय पी ली है, इसके बाद जो है मैं बालकनी में जो ये गमले रखे हुए हैं, इतनी धूल मिट्टी और इतनी जल्दी सूख जा रहे हैं आजकल, तो यहाँ पे पानी डालूंगी। गर्मी की वजह से बहुत बुरा हाल हो गया है इनका, बेचारे पत्ते थे, इतनी धूल जमी हुई है ना इनके ऊपर। तो फिर यहाँ पे कुछ पत्ते सूख भी गए हैं, सूखे पत्ते मैं हटा लूँगी और उसके बाद फिर मैं बालकनी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो पानी डालना भी मैं भूल जाती हूँ कई बार, तो इतने सारे काम हो जाते हैं घर के, मुझे ध्यान ही नहीं रहता है। तो आज मैं काफ़ी दिन के बाद यहाँ पे पानी डालने के लिए आई हूँ, क्योंकि अब फिर निकलने वाले हैं, उसके बाद तो गमलों ने सूखना ही है। फिलहाल जब तक मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, नोनी उठ गया था, उसको पानी वानी दे के उसके बाद फिर मैंने दूध दे दिया था पीने के लिए। वो अपना बैठ के दूध पी रहा है और हस्बैंड अपना मॉर्निंग रूटीन कर रहे थे। इस बीच यहाँ पे दाल बॉईल हो गई थी, अब मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले दाल में तड़का लगाऊँगी और उसके बाद मुझे आलू की स्टफिंग रेडी करनी है, उसके बाद आलू के पराठे बनाऊँगी। ब्रेकफास्ट बन गया है और यहाँ पे मैं टेबल में लेके आ जाऊँगी। अचार के साथ हम लोग खाएंगे, थोड़ा सा मक्खन मैंने बनाया था ना उस दिन, तो वो रखा था पराठे के साथ, बहुत टेस्टी लगता है मक्खन या फिर अमूल बटर। और उन्होंने यहाँ पे झट से आ गया था देखने के लिए कि मेरे लिए क्या चीज़ आई है, तो उसे थोड़ी सी मैं दही लगा के खिला रही हूँ, क्योंकि फिर वो आलू के पराठे खाने में बहुत नखरे करता, कुछ खाता ही नहीं है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा दही डिप करके उसको खिलाया। और उसके बाद सारे काम करके फिर मैंने नहाया जल्दी से। सुबह के 11:15 बज गए और मैंने सारे काम अभी कंप्लीट कर लिए। जस्ट अभी हेयर वॉश करके नहा के आई मैं। आज नोनी ने नहाया नहीं, वो भाग गया, मैं उसको कितनी देर से बुला रही थी आ जाओ, आया नहीं, वो टीवी देखने में इस कदर बिजी है। और अभी जो है आज वेदर तो काफ़ी अच्छा है, मतलब उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, बहुत दिनों के बाद गर्मी से थोड़ी राहत मिली, तो इसलिए मैंने कहा अपने आप रहता है, मैं कल ही नहलाऊंगी। और एंड द गुड न्यूज़ इज़ हम लोग कल निकल रहे हैं फाइनली, और ये ब्लॉग जब तक आएगा हम निकल गए होंगे यहाँ से। तो
अभी जो है क्योंकि फिर हम लोग सोच रहे थे कब निकलें या फिर कुछ दिन डिले करते हैं, और कल से नोनी का फीवर ठीक है और डॉक्टर से भी मैंने पूछा था, वो कह रहे थे ट्रैवल करा लेना, लेकिन बस हाइड्रेशन का ध्यान रखना, पानी वानी पिलाते रहना रास्ते भर, क्योंकि गर्मी है तो डिहाइड्रेशन ना हो पाए बच्चे को, इसका ध्यान रखना है। और बाकी तो आप जा सकते हो, बस इन चीज़ों का ध्यान रखना। और हस्बैंड का फिर ऐसा है ना, उनका फिर टाइम नहीं मिल पाएगा, उनको बहुत सारे काम में जाना है, टूर वगैरह करने हैं अभी अलग अलग जगह के, तो इसलिए वो बिज़ी हो जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ, मैं यहाँ से नौनी को दिल्ली अकेले कैसे लेके जाऊँ इतनी दूर, लेकिन तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ऊपर से इतना लगेज है। तो हस्बैंड कल आएंगे हमको, मतलब बाई कार, हम लोग अपनी कार से यहाँ जाएंगे, साथ में हमने एक ड्राइवर भी कर लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग नाइट का मतलब फुल नाइट ट्रैवल करने वाले हैं, 10-12 घंटे तो यहाँ से दिल्ली पहुँचने में लगेंगे, एक दिन हम दिल्ली भी स्टे करेंगे। तो इस बार क्या होगा कि हमें रेस्ट करने का मौका मिल पाएगा। पिछली बार हम लोग गए थे यहाँ से डायरेक्ट भोपाल, और भोपाल से फिर गए थे हम लोग बाई ट्रेन दिल्ली, और दिल्ली से सीधा हम लोग टैक्सी करके पिथौरागढ़ चले गए थे। पूरा 21-22 घंटे का सफ़र, और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग जर्नी थी वो हमारी, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, लेकिन इस बार थैंकफुली एक दिन हमें रेस्ट करने को मिलेगा दिल्ली में, और उसके बाद जो है फिर हम लोग अगले दिन नोनी और मैं टैक्सी से चले जाएंगे पिथौरागढ़। तो इस तरह का हमारा जर्नी शेड्यूल है, तो जैसे भी होगा आगे जर्नी पूरा फुल जर्नी ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर तो करूंगी ही। और फिलहाल अभी हस्बैंड जो आज ऑफिस गए हुए, और दाल चावल मैंने बना के रखा है, कुछ नहीं बनाना है लंच में, मतलब चावल बनाना है, हस्बैंड को चावल बना के दे दिए, नोनी को रेडी करना है, इसके हाथ मुंह धुलाती हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है ना बेटा टीवी देखने में। तो फाइनली जो है फाइनल पैकिंग अब मैं करूँगी, क्योंकि मेरे कपड़े भी सिल के आ चुके हैं, और नोनी के कपड़ों का ये है कि इसका कुर्ता पैजामा और इतना ज़्यादा बड़े साइज़ का था, तो मैंने वो रिटर्न कर दिया है, और छोटे साइज़ का ऑर्डर करके मैं घर के एड्रेस पे ही ऑर्डर कर लूँगी। तो चलो सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो गई हैं और फाइनली हम लोग जा रहे हैं। तो इसके बाद मैं पैकिंग करना स्टार्ट करूँगी, और मैंने जो बड़ा वाला सूटकेस निकाला था सबसे पहले वही मैंने पैक किया, और शादी के कपड़े इतने सारे हो जाते हैं, और मेरे पास एक अजीब सा एक कमेंट आया था, इतने सारे कपड़े लेके जा रहे हो, कहीं बाहर देश थोड़ी जा रहे हो, थोड़ा सा माइंड यूज़ कर लेना चाहिए उनको कि हम लोग शादी में जा रहे हैं और इतना लॉन्ग ट्रेवल है, वहाँ का क्लाइमेट अलग है यहाँ से बिल्कुल, आई थिंक उनको बिल्कुल आइडिया ही नहीं होगा इस चीज़ का, तो कुछ भी कमेंट कर देते हैं। तो वहाँ के हिसाब से मुझे कपड़े लेके जाने हैं, और थोड़े से लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं तो कपड़े चाहिए होते हैं, साथ में बच्चा है, उसके कपड़े अलग, मेरे कपड़े अलग, पार्टी वेयर अलग, तो बहुत सारा सामान हो जाता है, कपड़ों कपड़े ही नहीं, उसके अलावा भी छोटी मोटी बहुत सी चीज़ें हैं, मेडिसिन वगैरह, अब ये भी क्या समझाने वाली चीज़ है मुझे समझ में नहीं आता है। तो फिलहाल बहुत मुश्किल से टाइम मैं पैकिंग कर पाई, क्योंकि शादी के कपड़े इतने सारे होते हैं ना, बहुत मुश्किल से पैक हो पाए थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर मैं बेड बॉक्स अच्छे से टाइडी अप करूंगी। पैकिंग करते करते मेरे बालों की हालत क्या हो गई है, और वैसे भी ना अभी इसमें से केराटिन का इफेक्ट खत्म हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाते हैं जल्दी से ड्राई होके। तो मैंने एक बैग तो पैक कर लिया, उसमें सिर्फ शादी के कपड़े मेरे और नोन के जो हम शादी में कपड़े पहनेंगे, और बाकी सामान शादी वाला शादी से रिलेटेड, और उसके अलावा एक छोटा सूटकेस, इसमें नोनी और मेरे कपड़े, नए वाले कपड़े जो हम मार्केट वगैरह के लिए पहन सकते हैं वो, और नोनी की मेडिसिन, डायपर वगैरह ये सब, और उसके अलावा कुछ पुराने कपड़े मैंने इसमें रखे हुए हैं, एक सूटकेस और रेडी करना है जिसमें हम घर के कपड़े और एक्स्ट्रा सामान, शैम्पू और स्लीपर्स वगैरह वो सब रखेंगे। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहता है, पैकिंग करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, ऊपर से नोनी बहुत ज़्यादा क्या करता है ना, सामान ला ला के उसमें रखता रहेगा अपना, पता नहीं दुनिया भर के टॉयज उसने सूटकेस में रख दिए, वो सब संभालो फिर वो वापस निकालो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है नोनी। तो ये वाला रूम जो बहुत मैसी हो गया, फिर मैंने सबसे पहले वाला बेड टाइडी अप कर लिया और राइस बना दिए, सबसे पहले लंच करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, बाकी बची हुई पैकिंग शाम को करूँगी, क्योंकि ना बहुत सारे कपड़े जो हैं वॉश भी किए हुए हैं वो भी मुझे पैक करके रखने होंगे, और ट्राईपॉड वगैरह, स्लीपर्स और शैम्पू, सोप, ये सारी चीज़ें, फेस वॉश वगैरह ना ये लास्ट टाइम तक होता ही रहता है, टूथब्रश वगैरह, तो ये तो जब हम निकलेंगे ना उसी टाइम पे हो पाएगा सारी चीज़ें फाइनल। गुड आफ्टरनून, अभी 3:30 बज रहे हैं, आज नोनी इतनी जल्दी कैसे उठ गया पता ही नहीं चला, तो ये 2 बजे सोया था और इतनी जल्दी उठ गया, मैं दूसरे रूम में एडिटिंग कर रही थी, इतना काम कर रही थी, वहीं उठ के आ गया, जूस दे रही तो कह रहा ये अच्छा नहीं है, अच्छा बेटा ये हाई करो। अभी जब नोनी सो के उठता है, और वैसे भी आज इतनी जल्दी उठ गया, इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, थोड़ा सा ये क्रैंकी रहता है इस टाइम पे, बेटा क्या खाओगे। तो इसके बाद जो धुले हुए कपड़े सूख गए थे उनको सबसे पहले उठाऊंगी, क्योंकि इसमें से भी कुछ कपड़े ऐसे थे जो मुझे फोल्ड करके उसमें बैग में पैक करने थे,
तो फिर बाद में ना रह ना जाए, मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए मैं जो सूखे हुए हैं वो निकाल दूंगा। और आज तो वेदर इतना मतलब अजीब सा ही हो रहा था, तो कुछ कपड़े सूखे नहीं थे अच्छे से, वैसे तो शाम तक सूख जाते हैं, आज पूरे क्लाउड्स लगे हुए थे। और उसके बाद मैंने मॉर्निंग में ये गमलों में पानी डाला था, इसकी मिट्टी एकदम सॉफ्ट हो गई थी, तो मैंने सोचा जाने से पहले एक बार इनकी गुड़ाई कर देती हूँ, फिर बाद में ये काफ़ी टाइम तक ऐसे रहने वाले हैं, और हस्बैंड को टाइम मिले ना मिले, वैसे भी वो ज़्यादातर टूर पर रहेंगे तो इनमें पानी नहीं जा पाएगा और बहुत ज़्यादा सूख जाएंगे प्लांट्स, तो इसलिए इनकी एक गुड़ाई करके एक बार थोड़ा सा पानी इसमें और डाल दूंगी। और यहाँ पे नोनी आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए, ऐसा कैसे हो सकता है मैं कोई भी काम करूँ और नोनी वहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए ना आए, खासकर मिट्टी और पानी का खेल तो वो ज़रूर करता है। इसके बाद मैं बाकी के बैग भी रेडी कर दूंगी, क्योंकि दो तीन सूटकेस तो हो ही रहे हैं, तो मैंने सोचा कुछ कपड़े और सामान जो ज़रूरत का है और वो सारी चीज़ें एक में कर देती हूँ, ताकि मुझे ना होटल में सारे बैग ना खोलने पड़े, और नोनी के साथ पैकिंग करना इतना मुश्किल हो जाता है, वो जब भी मैं बैग खोलती हूँ सूट पैकिंग वगैरह करती हूँ वो आके बैठ जाता है, फिर कुछ ना कुछ अपना सामान निकाल लेगा या कुछ उसमें डाल देगा, तो इसीलिए एक बैग मैंने ऐसा बनाया है जो मतलब काम आए, जिसमें सारा ज़रूरत का सामान हो और बाकी बैग एक्स्ट्रा रखे जो कि खुलने ही ना पड़े बिल्कुल भी, तो इस तरह से मैंने सारी पैकिंग ऑलमोस्ट फाइनल कर दी। ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई है और बस थोड़ा सा छोटा मोटा जो एक्स्ट्रा होता है वो रखना है मुझे फाइनल, और बाकी इसमें अभी काफ़ी सारा स्पेस है, इसमें भी बहुत सामान आने वाला है। तो मेरे पास एक कमेंट, बड़ा फालतू सा कमेंट, मतलब कमेंट कहें कि क्या कहें उसको, आप लोग दूसरे देश थोड़ी जा रहे हो जो इतना सामान लेके जा रहे हो, मायके तो जा रहे हो, तो क्या मायके जाते हैं तो अपने पहनने वाले कपड़े नहीं ले जाते, शादी में जा रहे हैं शादी के कपड़े नहीं ले जाएंगे, फुटवेयर्स नहीं ले जाएंगे, मेकअप नहीं ले जाएंगे, घर में पहनने के लिए कपड़े नहीं ले जाएंगे क्या? और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, कॉस्मेटिक्स, बेबी शैम्पू, अपना मतलब सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें होती हैं, क्या पता नहीं क्या लोग सोच समझ के कमेंट नहीं करते हैं, अजीब अजीब से कमेंट करते हैं। कम से कम कपड़े रखने की कोशिश की है, क्योंकि थोड़े कपड़े इन्होंने के घर पे रखे हुए, मेरे भी घर पे रखे हुए, इस वजह से घर पे पहनने वाले मैं बहुत ज़्यादा नहीं रख रही हूँ, और फिर भी थोड़ा बहुत करते करते भी इतना सारा सामान तो हो ही गया। और मायके जाओ या कहीं भी जाओ तो वहाँ भी हमारे एक दो सूटकेस तो हो ही जाते हैं ना, और हम लोग तो मायके थोड़ा लंबे टाइम रह के आएंगे, तो फिर इतने दिन के लिए इतने सारे कपड़े तो चाहिए ही होंगे। आज पता नहीं क्या वेदर हो गया, अजीब सा एकदम अंधेरा सा हो गया, मतलब पूरे आसमान में इतने क्लाउड्स हैं भर के, और बारिश वाला लग रहा है एकदम मौसम, और इतनी ज़्यादा उमस, इतनी गर्मी हो रही है, लेकिन फील आ रहा है बारिश वाला और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। बाद आ गई हूँ मैं किचन में और डिनर की तैयारी करेंगे, तो आजकल हम दो तीन दिन से सब्ज़ी भी नहीं लाए हैं, क्योंकि वो ऐसे ही रखी रहती है, और घर में आलू प्याज तो रखा ही हुआ है और थोड़ी सी पत्ता गोभी भी रखी है, तो मैंने सोचा जाने से पहले खाली वेस्ट होता है, इससे अच्छा जो घर में रखा हुआ है उन्हीं चीज़ों को यूटिलाइज़ करके वही बनाते हैं, तो थोड़ी सी दही रखी थी, मैंने सोचा आज आलू प्याज की दही वाली सब्ज़ी बनाते हैं, ये भी बहुत टेस्टी होती है, तो बस इसमें सिर्फ हींग जीरे का तड़का लगाना है, प्याज ऐड कर दूंगी, दो तीन मिनट तक मैं इसको फ्राई कर लूंगी अच्छे से, और उसके बाद जो है साथ ही मैं आलू भी मिला लूंगी, तो इनको अच्छे से पकाना है, थोड़ा सा हल्दी और धनिया मिर्च डालूंगी इसमें, मिर्च नहीं सॉरी हल्दी और धनिया पाउडर डालूंगी, सॉल्ट भी नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे बाद में दही डालनी है, तो बस अभी ये चीज़ें डाल के इसको फ्राई करके ढक ढक के पकाऊंगी, 10-5 मिनट में ये बनके तैयार हो जाएगा। सब्जी चढ़ा दी मैंने, और उन्होंने को थोड़े से अनार और ग्रेप्स मैंने दे दिए खाने के लिए, और सब्जी थोड़ी देर में बन जाएगी, इसमें दही डाल के बनाऊंगी मैं, तो अच्छी लगती है, वैसे भी दही इतनी सारी रखी हुई है, और आज का दूध भी बहुत सारा है, दूध बहुत बच रहा है, तो दही और लस्सी हम लोग बना लेते हैं आजकल, और उसके अलावा आटा मैंने गूंथ दिया, तो मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए चाय, तो फटाफट से चाय बनाते हैं और उसके बाद चाय एंजॉय करेंगे। आज मैं नोनी को कहीं नहीं लेके जा रही हूँ पार्क वगैरह, मतलब यहाँ से घर जाने के बाद याद तो आएगी, क्योंकि पार्क जाना मिस करेंगे नोनी के साथ ना, नोनी को पार्क ले जाना मैं बहुत मिस करूंगी, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ बच्चे आते थे, नोनी बच्चों के साथ खेलता था और बहुत खुश होता था। यहाँ अब एक हैबिट सी हो गई है, एक साल होने वाला ऑलमोस्ट हमको यहाँ पे, जून में एक साल हो जाएगा, तो अब जिस जगह पे इतना टाइम रहो थोड़ा बहुत लगाव हो ही जाता है, तो अब यहाँ से जाने के बाद थोड़ा मिस तो करेंगे, लेकिन घर जाने की भी खुशी हो रही है, बस ये है कि ट्रैवलिंग में दिक्कत होने वाली है और उसका थोड़ा सा डर लग रहा है, ट्रैवलिंग का मुझे हमेशा ही डर लगता है, मुझे तो आजकल नहीं होता है मोशन सिकनेस, क्योंकि मैं मेडिसिन ले लेती हूँ, लेकिन नोनी का ये है ना मेडिसिन से इफेक्ट नहीं होता है, और डॉक्टर इसको बहुत माइल्ड वाली मेडिसिन देती है, वॉमिटिंग के लिए नहीं देती है कोई भी, वो नींद के लिए मेडिसिन देती है, क्योंकि डॉक्टर कहती है बच्चों के लिए वो कोई भी वॉमिटिंग वाली मेडिसिन ऐसी है नहीं सेफ, और देना भी नहीं चाहिए, बच्चों के लिए सेफ नहीं होता है, तो उन्होंने की डॉक्टर जो है सिर्फ नींद वाली मेडिसिन देने को बोलती है, और उन्होंने बोला
ले जाते हैं टाइम ट्रैवलिंग से 3 घंटे पहले, आप इसको कुछ मत खिलाना, खाली पेट लेके जाना, नहीं तो फिर ये जो भी खाएगा सब निकाल लेगा, और कोशिश करना कि ये सो जाए। लेकिन इसको इफेक्ट नहीं होता, ये सोता ही नहीं है, तो वो एक दो बार नहीं, 3-4 बार तो ये करता ही है वोमिटिंग। ये जर्नी हमारी पहली जर्नी होगी जो नोनी और मेरी अकेले की जर्नी है, और वो भी इतनी लंबी, दिल्ली टू पिथौरागढ़। तो थोड़ा सा नर्वसनेस भी हो रहा है, लेकिन और मजबूरी भी है, जाना भी पड़ेगा क्योंकि हस्बैंड को टाइम नहीं है, वो भी इतना वहाँ तक नहीं आ सकते घर तक हमें छोड़ने के लिए, और घर में भी कोई है नहीं ऐसा कि जिसको हम बुलाएं हमारी वजह से किसी को परेशानी हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैंने खुद ही डिसाइड किया कि इस बार नोनी और मैं अकेले ही जाएंगे। तो इसके बाद मैंने चाय चढ़ा दी है, और दूध की जो मलाई लगती है ना इसको मैं फिर से कलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने हस्बैंड से बोला है जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि ये काफ़ी सारी हो जाती है, इतना थ्रो करने में भी मन नहीं करता, अच्छा नहीं लगता है ना, और कोई खाता नहीं है मलाई। नोनी को मैं ऐसे ही दूध सिंपल प्लेन दूध देती हूँ, तो इसलिए वो मैं स्टोर कर दूंगी, और जब वो टाइम मिलेगा वो बना लेंगे। चाय बना दिया मैंने, अभी थोड़ी देर में पीती हूँ, 5:30 बज रहे अभी, और बहुत तेज़ हवा चल रही है, बारिश वाले मौसम लग रहा है अभी, तो बन रहा है मतलब धीरे धीरे। और नोनी के जो शादी के लिए कपड़े मंगाए थे मैंने, सारे मैंने कैंसिल कर दिए, क्योंकि इतना लेट डिलीवरी, पहले मतलब 20-22 ऐसे डिलीवरी दिखा रहा था, फिर 23, 23, 24, 25, 26, 27 भी चला गया, 28 भी चला गया, और आज 29 हो गया। अब वो दिखा रहे हैं 30, 31, और 30 को तो हमें निकलना है, तो मैंने सारे ही कपड़े इसके कैंसिल कर दिए। एक जो धोती कुर्ता आया था वो तो साइज़ में वैसे ही बहुत बड़ा है, तो उसका छोटा साइज़, और उसके अलावा जो सारे कपड़े मैंने कैंसिल किए थे वो सारे मैंने घर के एड्रेस पे ऑर्डर किए हैं, क्योंकि ना पहले मुझे लगा था फर्स्ट, मतलब पहले ये होता था फर्स्ट क्राई की डिलीवरी नहीं होती थी पिथौरागढ़ में, लास्ट ईयर भी हम लोग देख रहे थे जब आरू के लिए कपड़े लेने थे भाभी को कुछ, तो उस टाइम पे हम लोग देख रहे थे डिलीवरी नहीं हो रही थी वहाँ पे, नहीं होती थी, मुझे लगा नहीं होती थी। फिर कल मैंने ऐसे ही चेक किया रैंडमली वहाँ का पिन कोड डाल के, तो फिर मुझे इतनी खुशी हुई, तो यहाँ से मुझे इतने कपड़े लेके भी नहीं जाने पड़ेंगे, और वहाँ नोनी के कपड़े डिलीवर हो जाएंगे, तो एक टेंशन मेरा कम हो गया है। उसके बाद सब्ज़ी में फ़ाइनल प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने दही मिला दी थी अच्छे से फेंट के, और इसको तब तक चलाना है जब तक इसमें बॉईल आना स्टार्ट नहीं होता है, और थोड़ा थिक होने तक इसको पकाऊंगी, और बस मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है, बस यहाँ पे सिंपल सी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई। और इस बीच जब मैं काम कर रही थी मैंने जाली वाले डोर दोनों खोल के रखे हैं, क्योंकि थोड़ा सा क्रॉस वेंटिलेशन होता है ना, और वैसे भी इतनी उमस होने लगी है घर के अंदर, ग्लास डोर सारे बंद करके रखो तो इसलिए। और अभी यहाँ पे नोनी खेल रहा था, इस बीच अभी शाम का टाइम हो गया है, हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, और जैसे ही उसके पापा आते हैं नोनी फिर पापा के साथ ही लग जाता है खेलने में। और इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, सब्ज़ी तो बन गई थी, आटा भी गूंथ के रख लिया है, और इस बीच जो भी बर्तन इकट्ठे हो गए हैं इनको मैं धुल के निकाल लूँगी, और सिंक एरिया एक बार अच्छे से क्लीन कर लूँगी, इससे रात के लिए मेरा काम आसान हो जाएगा ना, वैसे भी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। नोनी बताओ, नोनी ने आज फिर कार की चाबी गुम कर दी है, और जब इससे खेलने को मना करो इसे छीनो ना, इतना रोता है ये, हल्ला कर करके तमाशा कर देता है, फिर गुम कर दिए इसने। कहाँ है बेटा बताओ, कहेगा आप कार की कहाँ कहाँ है, ब्लू सूटकेस में देखा, चाबी मिल गई, चाबी मिल गई ये, और नोनी को वो दोबारा से चाहिए, लेकिन नोनी के पापा ने बिल्कुल नहीं दिया। और मैं बताती हूँ इसने कहाँ छुपाई थी, ये देख नोनी इसने ना ये स्टूल के ऊपर डाली थी अंदर यहाँ पे, हाँ उसमें भी नोनी है, देखो बेटा टूटू नोनी, अरे देखो तो सुबह नोनी कैसे खेल रहा था, मैं दिखाती हूँ आपको सूटकेस के अंदर, ये देखो नोनी के ऐसे ऐसे गेम चलते हैं सूटकेस के अंदर। तो इस बीच मैंने कुछ वीडियो की एडिटिंग कर ली, और मैं किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पे अब रोटी बनाना स्टार्ट करूँगी, तो रोटी रैप यूज़ कर रही हूँ मैं अब, क्योंकि ना जब निकलने वाले हैं हम नेक्स्ट डे, तो फिर कौन वो रोटी वाला रुमाल वॉश करेगा, वो मैंने वॉश करके पैक करके रख दिया है ऐसे ही, बाकी अभी एक दो दिन तो मतलब एक दिन के लिए खाली मैं वो कपड़ा यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये रोटी रैप यूज़ किया, ये काफ़ी अच्छा रहता है। और जिस दिन हम लोग जाएंगे उस दिन कैसरोल का डिब्बा वॉश कर लूँगी, क्योंकि स्मेल आने लगती है, और गर्मी के दिन है और अच्छा नहीं लगता है इस तरह से खाना, मतलब रोटी वगैरह कुछ भी आप खुला रखो इस तरह से तो ख़राब हो जाता है। तो बस ये आज का हमारा सिंपल सा डिनर था, एकदम पहाड़ी स्टाइल हो रहा है एसी ऑन करके, दोनों पापा बेटा क्यों इतनी गर्मी हो गई,
नौनी को ब्लैंकेट उड़ाओ, ठंडा हो सकता है ना। एकदम एसी चलाने वाले दिन आ गए हैं कुछ दिनों में, और हस्बैंड को तो वैसे भी गर्मी लगती है, बस नौनी की वजह से एसी हम लोग नहीं चलाते। तो मुझे लगता है जब हम लोग जाएंगे ना यहाँ से तो हस्बैंड फुल एसी में सोने वाले हैं। और अभी आई थिंक हाँ 9:30 बज गया है, बाहर मैंने सारा काम निपटा दिया, मैं फ्री हो गई हूँ, मैं थोड़ा सा वीडियो एडिट करती हूँ और कल फाइनली हम लोग जा रहे हैं। पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है, मतलब 80% डन हो गई, 20% छोटा मोटा सामान रह गया है तो वो कल ही डालेंगे। और हम जो है पूरा ट्रैवल ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आगे का ब्लॉग जो है काफ़ी एक्साइटिंग रहने वाला है, और प्रे करना कि हमारी जर्नी काफ़ी अच्छी रहे। उन्होंने के साथ मैं पहला इतना लॉन्ग टूर कर रही हूँ अकेले, थोड़ा सा नर्वसनेस भी हो रही है और एक्साइटमेंट भी हो रही है। तो चलिए मिलते हैं नए और बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, आगे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।